वातावरण ऐसे लगे थे कि जंगल में रूख राई दावा पाना नार बिलोरा जिहा पड़की परेवना सुआ मैना और मंजूर के सुंदर कोयले के कुहुक बोली तो बीच में भगवान राम बैठे हैं और जंगल के चारों मुड़ा में एक नान की झोपड़ी बने हैं। वहाँ सबरी हर बैठ के भगवान ला विनय करते और परमात्मा बैठ के भगवान बैठ के सबरी ला क्या कहा थे ये प्रसन्न आप ला हम रामचरित मानस के द्वारा सुनाए वर जाथन। तो आओ भैया हमारे जीवन ला धन्य बनाए वर रामचरित मानस में डूब जान। बोलो श्याम रामचंद्र की। भगवान राम अरण्य जंगल में शबरी के आश्रम में गए हैं। शबरी सुबोध रूपी शबरी शधन बरी जिन सब में बरी रहे सब चीज में बरी रहे सब त्याग दे वही परमात्मा के शरण में जा सकते वही भगवान ला पा सकते। शबरी भगवान के आगू में बैठे हवे और भगवान ला पूछते कि परमात्मा आनंद तो मैं प्राप्त कर दो लेकिन आज मैं परमानंद ला प्राप्त करूं परमानंद ला प्राप्त करे बर मोला का लागी। भगवान कहते शबरी परमानंद प्राप्त करना है तो एकर लिए भक्ति के कृपा होते। संत मन एक बात बहुत अच्छा बताए भैया भक्ति और ज्ञान ये दोनों मार्ग है जीवला तरीके हैं लेकिन ज्ञान साधन जप तप से प्राप्त होते और भक्ति भगवान के कृपा से हो जाते वो कृपा में मिलते। तो आज परमात्मा राम के कृपा सबरी के ऊपर हुई। सबरी बैठ के भगवान के आगू में अच्छा फल लाके भगवान ला देते। बाबा जी मन दोहा के माध्यम से लिखे हैं कंद मूल फल सुरसयति
दिए राम कहयान। प्रेम सहित प्रभु खाए बारही बारी कंद मूल फल ये तीन चीज ले सबरिया, कंद मूल और फल, कांदा और जरी और फर। ऐसे कौन से कांदा भगवान ला सुहागे, ऐसे कौन से जरी भगवान ला सुहागे, ऐसे कौन से फल भगवान ला अच्छा लगे। ये तीनों चीज ला तीन बात में इंगित करे हैं संतवन। जीवन में ना तो कामना की गुठली है और ना तो प्रदर्शन की छिलका है। कहने के मतलब ना तो काम के गुठली है ना दिखावा छिलका है। ऐसा फल भगवान प्राप्त करते और प्रेम से खते। सबरी लगी परमात्मा के हे सबरी, भगवान ला पाना है तो प्रेम में पाना है, और प्रेम में पाके ही ये जीव के उद्धार करना है। भगवान राम सबरी ला कह गई थे, आवे प्रेम जगत में सार सुन सबरी बातें हम। सबरी प्रेम बिना कोई चीज पूरा नहीं, अधूरा है। और क्या कहते हैं, हावे प्रेम जगत में जगत में सार सुन सबरी बात प्रेमा बिना हावे जगी अंधिया सुन सबरी बात हमार। आवे प्रेम जगत में सार सुन सबरी बात भगवान राम सबरीला बहुत अच्छा परम भक्ति के बात ला बताए बर जाते। सबरी भगवान के आगू में खड़े हो गए कि नारी है, देखो एक नारी भगवान के आगू में खड़े हो गए, ये बहुत शिक्षाप्रद बात है। आज हम जीवन ला जिए बर जान रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। जिए जिए के अपन अपन व्यक्तिगत जीना अलग अलग है, लेकिन तरना अलग है, जीना अलग और तरना अलग। तो हम तर काकर कर सक्षम वही परमात्मा का भगवान के आगू में खड़े होके सभी हाथ जोड़ के बारम्बार निवेदन कर। सबरी भगवान के आगू में खड़े होके हाथ जोड़ते, भगवान पान जोरी आगे भय ठाढ़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। भगवान के आगू में हाथ जोड़ के सबरी खड़े होते, भगवान अधम जात के नारियों में मोर पास में ना तो बल बुद्धि ज्ञान कहीं नहीं है, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, मैं कैसे तुहर स्तुति करूं। अधम जात के जड़ मति भारी मोर पास में
बुद्धि नाम की चीज नहीं है। अतिक अधम हमें के अधम से अधम अधम अति नारी तीन हम मह मैं मति मंद गवारी। भगवान राम शबरी लग थे कह रघुपति सुन भामनी बाता। हे भामनी, हे भामनी शबरी, भक्ति में ना कोई छोटे ना कोई बड़े, सब एक समान मानो एक भक्ति कर नाता। और भक्ति के नाता है कैसे नाता है, जे अंतरात्मा शुद्ध है। अंतरात्मा की बात है, दिल की बात है वो, और दिल के बाद जब भी होते ना तो परमात्मा से मिलन हो जाते। परमात्मा की मिलना, ईश्वर से मिलना जीव के लिए मोक्ष वाले बात है। शबरी कथे भगवान मैं छोटे कुल क्यों छोटे जात क्यों। भगवान कहे जात पात नहीं कुल बड़ाई, ना बड़े है ना छोटे है, संसार में जात पात की कोई बात नहीं। हरि का भजय सो हरि का होई, जात पात पूछे ना कोई। भक्ति के बिना आदमी ओसरे है कैसम कि चारों मुड़ा बादर है घमरे रहते। बादर आ रहे करिया रहे और एक बूंद पानी के लिए धरती प्यासा रहे, वो पानी नहीं गिरे। यही अंतर है। चाहे मनुष्य कतको बल बुद्धि ज्ञानवान हो, संपन्नता हो, हर चीज में उकर मान हो, पर उकर कर भक्ति नाम के चीज नहीं है ना, तो वही करिया बादर घमरे रथे बिना पानी वाला उसने ये जीव है। शबरी आंखों में जाके खड़े हुए, भगवान मैं उसने हूं, परमात्मा मैं उसने हूं। 18 साल के उम्र ले मेहर ये दंडाकारण्य जंगल में बैठ के मतंग ऋषि के बातला मान के छोटे सन कुटिया बना के बैठे हो कि तू हर रास्ता ला देखा तो। और आज आए हो आप मन आए हो मोला वो बातला बताओ भक्ति के। मैं नहीं जानो भगवान, मैं नहीं जानो भगवान। कथे सबरी भक्ति 9 प्रकार के होते हैं। अब भक्ति के कथा 9 प्रकार के भक्ति ल अगर एक थन भी जीव हर कोई जीव कोई प्राणी अपन जीवन में अमल कर लीस ना, वो ये समझ कि कोटि यज्ञ कडरीस सारी तीरा धाम लखू करीस। सबरी भगवान करा की, अब भगवान करा जाके हाथ जोड़ के खड़े होके विनय करके भगवान ला प्रार्थना करते। परमात्मा मोला भक्ति के बाद बता दे प्रभु, भक्ति के बाद बता दे। वो जंगल में बैठ के बिचारी भगवान ला काती थी भैया काती। सिस्कन वो शबरी के सिस्कन है
देला हम आप मला कथा के माध्यम से बता दें। बीच जंगल में बैठ के भगवान के आंखों में हाथ जोड़ के सबरी विलाप करते, एक अबला के पुकार सुन के भगवान अपन आंसू लभी नहीं रुक सकी, उकर आंसू ले दूठन बूंद चोगे। सबरी देखी भगवान के आंखी ले दूठन आंसू के बूंद है चूहत है कि के अपन हाथ में झोंकली सुना। झोंके के बाद में सबरी ला भगवान पूछते सबरी भक्ति के ज्ञान भक्ति के कथा कही था सबरी सावधान होके सुन सावधान सावधान करे हैं नौधा भक्ति कहूं तो ही पाही सावधान सुन धर मन माही हृदय में धर ले तुर भीतरी में धर ले और ऐसे जगह धर कि वो दोबारा एती ओती बुलक के मत भागे। और भगवान हर ओला सुंदर भक्ति के ज्ञान बताए बर खड़े हो थे सबरी हर भगवान के आगू में खड़े हो गए दोनों खड़े हो गए। लक्ष्मण जी महाराज बगल में बैठे नौधा भक्ति के कथाएं भैया नौधा भक्ति नौ प्रकार की भक्ति भक्ति नौ प्रकार की और नौ प्रकार के भक्ति ये नौधा भक्ति ला जो भी जीव सुन लीस और जे परिवार सुन लीस जे घर में नौधा भक्ति के कथा हो गए वो घर तो ये समझो स्वर्ग हो गए शांति सुख मिलते हो घर में। ऐसे नौधा भक्ति के महत्व शम परमात्मा राम शबरीला सुना है और परमात्मा राम सावधान कह करके कहते थे राम कथे सबरीला सुन ध्यानीला लगा के राम कथे सबरीला सुन ध्यानीला लगा के नौधा भक्तिला सुनावते हमारा नौधा भक्तिला सुनावते हमारा सबरीला सुन ध्यानीला लगाके राम कथे सबरीला सुन ध्यानीला लगाके नौधा भक्तिला सुनावते भावना नौधा भक्तिला सुनावते भावना नौधा भक्ति के प्रसंग में चलन कथा में चलन अंतरात्मा के बात में चलन भगवान राम के मुखार बिंद से सुना थन ये हम समझन अपन आप में तभी कल्याण है। कल्याण जब हो सकते जब हम विश्वास करन भगवान शंकर गलो पार्वती ने बताया ना कहो उमा अनुभव अपना शतहरि भजन जगत ये सपना हे पार्वती अनुभव परमात्मा ले अनुभव करना अपन आप में टटोलना बटोरना सकेलना वही परमात्मा लपाना है। विश्वास करना तन भगवान आगू में खड़े हो जाते अपने सबरी परमात्मा के प्रति समर्पण विश्वास करी साधक रही ने सबरी सुबोध रूपी सबरी जिकर जीवन में परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। नौधा भक्ति
सुनन। आओ नवधा भक्ति सुने के बाद हम आप मल्ला एक ऐसन बात बताए बर जात हन ये नवधा भक्ति के भीतरी में कि जीवन के मुक्ति और मोक्ष तरना ये बात ला भगवान राम बतावत। गाय के पहली हम आप मल्ला एक बार भगवान के जय बुलावत हन जेकर से जम्मो देवता मन जीव मन एक जगह सुखला के नवधा भक्ति सुने। बोलो श्यापति रामचंद्र की प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति में चला पहली भक्ति के बाद ऐसा नहीं प्रथम भक्ति संतन कर संगा संत के संग करना। देखो संत के हृदय देखो कोमल चित्त कोमल हृदय संत के हृदय कोमल होते अधिक कोमल होते नाजुक होते संत के हृदय संत का के समान होते चंदन के समान। चंदन के रुख ला अगर टंगिया काटे ना तो वो चंदन के रुख टंगिया ला का करते जानते ना सुगंध कर देते ओकर जीवन ला महत्व कर देते। असने संत संत साथ में दुश्मनी भी करूं लेकिन संत दुश्मनी नहीं करे ओ हर तो तुहर जीवन ला धन्य बना दी ओ तुहर जीवन ला एकदम सुगंधित बना दी। असने भगवान करते प्रथम भक्ति संतन के संगा संग कैसे करना चाहिए बाबा जी मन लिखे गलो है बढ़िया बिना सतसंग विवेक न होई राम कथा बिना सुलभ न सोई। इतन बात याद आ गई सबरी लबतात भगवान राम एक जन शिकारी हर दूठन सुआ के पीला ला धर के एक ठन गांव में बेचे वरले शिकारी चिल्लाते सुआ ले लेओ गा सुआ ले लेओ। तब उकरा बहुत अकन सकलाय रहे आसपास में साहब मन घलो खड़े रहे करे सुआ बड़ सुंदर रहे एक ठन दाई के दोनों ठन पीलायो मा एके महतारी के लेके आयो मा। तब कथे सुआ कथी के तोर जी तो बता इसके भैया मोर सुआ है 10 रुपया के और दो ठन रहे एक ठनला विकरत थानेदार जी खड़े रहे ओ मन धर के ले गए दो भाई हम इसको ले जाएंगे और एक ठनला संत महात्मा खड़े रहे विकरत एक जन साधु जी ओ कथे दे भाई एक ठनला मैं ले जाऊं एक ठनला साधु महाराज ले गए और एक ठनला थानेदार ले गए। संत महात्मा ले गए अपन आश्रम में अपन घर में और घर में ले जाके ओ हर सुवाला बढ़िया सुंदर सुंदर बात सुनात रोज और थानेदार वाले घलो ओ सुआ हा जाके थाना में पिंजरा ली सोकरबर और पिंजरा में अरो दे हुआ। अब वहां के राजा पता लगी कि दो ठन सुआ है और अतिक सुंदर है वो सुआ मन है कि देखे में घलो आनंद आ जाते ऐसे कह के अपन नौकर ला भेजी जाओ के मंत्री महाराज गिन और थानेदार कहते महाराज ये सुअल हमार राजा मंगात। अब राजा के डर ते बबक डर अब वो थानादार कहते आओ भाई राजा महाराज है ले जाए सुअल। अब वो आश्रम में एक जन सुअर है तेकर बर मंत्री चल दी से एक जना वो कहते महाराज ये सुअल राजा मंगाते। संत महात्मा कहते ठीक है भाई ये दे ले जा राजा के राज में हाओ ओकर बात नहीं मानो ते नहीं बने दे दी। अब एक ठन सुवाला संत के सुवाला राजा के पास लालिन और ओढ़ाले थानेदार के सुवाला घलो लाने दोनों सुवा हर एक जगह सक लागे उसने दिखा थी बिल्कुल। अब एके दाई के पेट ले दोनों जन्म जन्म ले तो उसने चोसने रही ना उसने दिखा थे सुंदर। अब रानी हिला कही थे रानी कैसे ते कते सुवल रागवे। तब रानी के थे नहीं महाराज आप मन पहली बताओ कते सुवल तुहर कर राखो तेल तू मन बताओ। तब राजा महाराज कथे कि मैं हां
थानेदार के सुअर राखू। रानी कहते ठीक है भाई, मैं हर संत बाबा के सुअर राखू। और रानी हर अपन खोली में वो संत महात्मा के सुअल लेगे। और रानी आगो में बैठ के वो सुअल कहते, अरे सुवना आज ले का सीखे ते हर, आज ले का शिक्षा सीखे। तब कथे दाई, राम राम बोल, जय सीता राम बोल, जय गोविंद बोल, हरि ओम बोल। रानी के मन गदगद हो गए, रानी आनंद हो गए। अब ओढ़ान राजा है तौन, मन में सोचा थे थानेदार कर रही से बाव शिक्षा बात सुने हुई अच्छा है सुहागा। अब वो कहते, अरे मिट्ठू, अरे तोता, ओटिक दिल्ले ते थानेदार कर रहे थे का सीखे हर। तब वो सुआ कहते, अरे क्या बोलता है रे, अरे चपरासी, अरे पुलिस वाले लात रहे इसको, छह महीने का अंदर डाल इसको, कहां से आए हर तुरे। राजा महाराज कहते, अरे ये कैसे अल कर गोठिया थे भाई, अरे अंदर डाल इसको रे, डर तो अंदर। राजा महाराज घबरा भगा गया, भगा के मन में सोचती है कैसे सुअल है बने गोठिया ही कथो ते आए बाय गोठिया थे। फिर गिर फिर आ रहा रे राम जादे ऐसे कथे। राजा महाराज जब भागी और जाके भगा के रानी घर चुप पे बैठ गए। रानी आंखी मुंदे रहा, वाह वाह धन्य है सुआ, धन्य है सुआ का हाथ रहा। राजा गीस तीर में रानी कहते, कैसे रानी का कर थकते हैं, का बताओ महाराज, ये सुआ अति अच्छा बोलते तो मोर दिल है गदगद। अरे तो तू हर सुआ का बोलिस महाराज, कैसे हाथ हो, अरे का बतान वो सुअल करहल कहा कथे, मैं बने हुई कि क्या थानेदार के सुआ है बने ऊंचा वाले महाराज। अरे का बताऊ मैं तोला, गाड़ी वारी देते मोला भाई, नहीं का की था तुमला, वाह हराम जादे कथे मोला। रानी सुनी, महाराज ये सब संग के प्रभाव है, ये सुआ कहा के संत के पास के, और सुआ कहा है थानेदार, इनमें कोई गलती नहीं है कि थानेदार के पास मेरी ये से तो गलत सीखी, ऐसे बात नहीं। कबर की ओ हाँ उसने भाखा है ना भाई, वो बोली हुआ थाना में ये जरूरी बोली है भाई, बिना हो ना प्रीत वहां भय सबसे पहली भय दिखाई देते हैं, जगह के अंतर होगी ना। संत कर रही थे संत महात्मा की बात ला सुन सुन के, राम राम बोल सत्संग के बाद बोली। और जेहर थाना में रीस ना वो राम नामला नहीं सीखे, यही बात ला भगवान राम शबरी ला बताते। और हम मन खलो आप मल्ला बताए के प्रयास करत हूं कि वाकई में सत्संग में आदमी सठ सुधरे सत्संगत पाई, मूर्ख घलो सत्संग में सुधर जाते, ये प्रमाण है रामचरितमानस में। ये पहली भक्ति है सबरी सबरीला, पहली भक्ति सत्संग के बारे में बताई। बोलो श्यावर रामचंद्र की। दुशरीर तम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति सुनाए बर जात सबरी तुला। और सबरी आंखों में खड़े होके भक्ति के बात ला सुना थे भगवान राम। सबरीला दूसरा भक्ति सुना थे, आओ चलो हम दूसरा भक्ति सुने बर भगवान राम के तीर में नहीं जा सके, वो कथा के पावन वाणी के तीर में जान, जेकर सुने से मन पवित्र हो जाते। राम बोलो रे हंसा, राम बोलो ना, राम बोलो रे हंसा, राम बोलो ना, राम
दिलों पे सारा बोलो ना, राम बोलो पे सारा बोलो ना, हरि हिंसाले मागन भूखे राम 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 बोलो ना, राम बोलो ते साराम बोलो ना, राम बोलो ना, राम बोलो रे हंसा राम बोलो ना, राम बोलो रे हंसा राम बोलो ना, हरि हिंसाले मागन भूखे राम बोलो ना, हरि हिंसाले मागन भूखे राम बोलो ना, हरि हिंसाले मागन भगवान राम सबरी के आगू में बताते हैं। पहली भक्ति ल बताई संत के संग करना और दूसरा भक्ति में हन दूसरी रत्म कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मोर कथा प्रसंग में रत हो जाना, मोर कथा सुनना परमात्मा की कथा सुनना। भगवान के कथा सुनने से बड़े बड़े संशय मोह दूर हो जाते, मोह दूर हो जाते उकर से। भगवान शंकर पार्वती ला सुनाए, भगवान के कथा सुने इस पार्वती के जीवन खुशहाल हो गए, विश्वास के द्वारा श्रद्धा के कथा सुनी, श्रद्धा कथा सुनी तो उकर घर गणेश भगवान और कार्तिक राम जी से दूजन लड़का ही विवेक और पुरुषार्थ। भगवान के कथा सुनने में विवेक और पुरुषार्थ होते, विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न होते, रिद्धि और सिद्धि मिलते, शुभ और लाभ मिलते। यही कथाला भगवान के कथाला गरुड़ जी सुने। गरुड़ जी कौन है? स्वयं परमात्मा के सवारी है, नारायण के सवारी है। भगवान ओकर ऊपर बैठते हैं, सवार करते हैं, भगवान ओला पकड़े हैं, पर वो भगवान ला पकड़ नहीं पाई। बात अच्छी हो गई, भगवान ओला पकड़े है जरूर, लेकिन ओह भगवान ला नहीं पकड़ी। अब भगवान ला धर रहती ना तो मोह नहीं होती सोला, गरु ला गलो मोह हो गए। राम लक्ष्मण जब नांग फांस में बंधाए रही ने लंका में, तब जाके नारद मुनि बोलिस की जा भगवान के नांग फांसला काट देबे गरुड़ जी। यही बात में ये गरुड़ शंका हो गए, मोह हो गए। पक्षी के राजा चिड़ै मन के राजा गरुड़ जी जब उड़ाए गरुड़ जी कथे ना, तो ओकर पांख ले ओकर ओकर पंखा ले ओकर डेना ले साम वेद के गुण गान निकले। देखो कमती बड़े संत महात्मा तेला संका होगे संशय। जे हर बड़े बड़े सर्पला खाने वाला है, सर्पला खाने वाला है, ते हर आज मोह के सर्प में बंधा गए हो। गरुड़ जी महाराज ला जरूरत पड़ी कथा सुने के, तब कहां की सुहा पार्वती बताई भगवान ला कि भगवान गरुड़ जी महाराज है
डोंगरी के तीर में गिरी से की थी, तो वो कथी डोंगरी है भगवान के कथा सुने वर गिस थे। भगवान कथे सुन पार्वती, नीलगिरी पहाड़ है और नीलगिरी पहाड़ के खाले में डोंगरी खाले में एक ठन बर रुके, अब वो बर रुके खाले में एक ठन चिड़ई है, दूसरा चिड़ई ला कथा बताते, दो पक्षी बैठे होकर कैसन पक्षी है मन, उड़ैया तो है देना है लेकिन साथ में पक्षी भी है मन, एक ज्ञान पक्ष के और एक भक्ति पक्ष के। गरुड़ जी महाराज ज्ञान पक्ष के, और ज्ञानी ला शंका होते कथे ज्ञान में चलना छोटे मोटे बात नहीं है गा, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा तलवार के धार में रेंगे के बरोबर है। और गरुड़ जी ज्ञान में है ता कागभसुण जी महाराज भक्ति में है, और भक्ति या ज्ञान ला समाधान कर सकते, वही जाके भगवान के कथा ला सुनी जी, आठ कोस लंबा चौड़ा वहां भगवान के कथा चलत रही से, सिर्फ भगवान के कथा कर कान में गीसना तो कर शंका दूर हो गए, ये दूसरा भक्ति। भगवान के कथा सुनना दूसरा भक्ति, गुरु पद पंगज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तीसरा भक्ति। बड़ा ध्यान लगा के मन में उतारना चाहिए, तीसरा भक्ति गुरु के सेवा करना, वो भी पाव के सेवा करना। गुरु पद पंगज, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, पद पाव के महत्व ज्यादा दे, वैसे तो सबो शरीर अपन अपन अच्छा है लेकिन ये पाव ना सबसे श्रेष्ठ माने गए। काबर देखो ना, हम जब भी कहाँचो जथन तब पाव के बाहर रिंगथन, अति बड़े शरीर ला अति बड़े सब डान के शरीर ला एक नान चुन पाव हा एती होती लेक के अति बड़े बोझा ला बोही करेंगे तरह। अब ये पाव कहाँचो नहीं जाओ नहीं कहेगा, ये ला चिखला में लेक जा, पानी में लेक जा, आगी में लेक जा, डोंगरी झाड़ी कांटा खूटी हर तरफ लेक जाइए, जाए पर इनकार नहीं करे, ये पाव बहुत महत्व के चीजें हैं। गुरु के पाव, वो भी गुरु के पाव, चरण के बहुत बड़े महत्व है, चरण में ही तरण है, ये तीसरा भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज ज्ञान, चौथा भक्ति मोर गुणला गान करे, मोर गुणला गुणनवाद करे, गाए, सुनना और गाना एक अलग बात, सुनना मोर दूसरा भक्ति लेकिन गाना चौथा भक्ति है। और कैसे गाए, हृदय से गाए, अंतरात्मा से गाए, ढेंटू से मत गाए, घेच से मत गाए, भीतरी ले गाए, सब शरीर ले गाए, और ऐसे गाए कपट नहीं होना चाहिए, निष्कपट निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। गाना दूसरा के लिए भजन और भोजन श्यामला करना पड़ते भैया, लेकिन भजन करके प्रभु के गुणगान के प्रचार करना, प्रभु के गुणगान के बात बताना, ये चौथा भक्ति है। चौथा भक्ति के बाद भी और पांचवा भक्ति ला बाबा जी मन का लिखते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पांचवा भक्ति के बाद बतें मंत्र जाप करना, वो भी दृढ़ विश्वास करके भाई, हाँ विश्वास होना चाहिए मंत्र जाप करना, तो राम 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 की गुणनवाद करना, अनंत नाम का राम नाम बहुत बड़े मंत्र है। शंकर जी बताइन, रा कहे से मुंह खुलते और मां कहे से मुंह बंद होते,
जब हम राकत ना तो हमर भीतरी जति के बेकार रखे ते निकल जथे और अच्छा चीज खुसरते तान मां कथना तक बंद हो जथे। एकर से हमर ये जति के शरीर में धूमिल है ना वो धोवा जथे, जैसे कपड़ा महिला जथे और हमर तन गलो महिला जथे। तब हम सोचतन देखन हमर शरीर में तो महिला गियन हमन, हम जाके साबुन में धो डारबन, कपड़ा में लागे है तब बोरिंग में धो डारबन, तन में लागे तेकर बतो हम जाके बोरिंग तरिया कुआं में धो डरेन, लेकिन मन में लागे तब कहां धोना चाहिए। विश्वास करके बैठ के साधन करके मंत्र जाप करके अपन आपला एक अच्छा साधक मान के परमात्मा में केंद्र बिंदु स्थापित कर देना चाहिए। वही पांचवा भक्ति मंत्र जाप। एक कहावत छोटे सन याद आ गई मेरे, एक जनहर रोज के मंत्र जाप करे, अब घर में बैठे बैठे वो दूसरा केल सीखे रहा है, महू मंत्र जाप करूं तो अच्छा बनी की के। तब वो का कहे रोज के, अताल ला बांधो पताल ला बांधो बांधो राम लखन के दुहाई, अताल ला बांधो पताल ला बांधो बांधो राम लखन के दुहाई, अतकिल सीखे रहा है। अब वो कहे कि नहीं नहीं मैं मंत्र जान रहा हूं। देख वो दूसरा कल सीखे मंत्र जान रहे, मोर जैसे मंत्र वाले कोई नहीं है, अब भी ला चुप पे बैठ के मंत्र जाप करे। देख तक कतिक जान जाप करे वो, अच्छा खा पी ले बीने पजार अब बैठ जाए खटिया में चुप पे, अगर भाई कहे चलना वो कमाल जाबो तब वो कहे नहावो एक कन मंत्र जाप करत हूं, अताल ला बांधे हो पताल ला बांधे हो बांधे हो राम लखन के दुहाई, ऐसे की रात दी सुने कर भाई जी खिसिया दे ते राम लखन के दुहाई ला बाद में बांधबे, पहले घर के राचा टूट गए तेला बांध, आज ले घर के राचा लते बांधे नहीं यार। ते एक बोली काबर काबर क्यों हुआ अपन अंतर आत्मा से नहीं बोले, काबर वो असल नौ सीखिया वो दूसरा चल देख के कहते मंत्र है की के। ऐसे मंत्र विश्वास होना चाहिए, ये पांचवा भक्ति में थे। विश्वास से मंत्र पढ़ो ये पांचवा भक्ति में थे। और छठवा भक्ति के बारे में बताइए कि अपन इंद्रियला कंट्रोल करना, संयम करना, संयम नियम करना, छठवा भक्ति के बाद दसो इंद्रियला कंट्रोल करना, भाव भक्ति में करना और सज्जन महापुरुष के साथ में धर्म में सदा प्रीत लगाना, सदा धर्म में चलना, ये छठवा छठवा भक्ति के बाद ला भगवान राम बताइए। गाली गाली हरि के नाम, गाली गाली प्रभु के नाम, मैं पाछु पछता दी तो लछती जाई नाम, मैं पाछु पछता दी जो लछती जाली जाली हरी
लखन सिय राम चंद्र की जय। भगवान राम की कथा सुनिया जम्मो जीव मल्ला। भगवान राम डहले शुभ शुभ आशीर्वाद। सातवां भक्ति की ओर चल। सातवां भक्ति के बारे में भगवान बताई से सत्तम सब मोहि मैं जग देखे मोते संत अधिक कर लिखे। सातवां भक्ति राम में सब जगह ईश्वर। सब जगह ईश्वर सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी दुग पानी। तोर में राम मोर में राम सब में राम समाए है हम सब आवन भाई भाई कोई नहीं पराए। सब जगह राम देखना ओकर में राम ओकर में राम ओकर हर जीव में राम देखना हर जीव में परमात्मा देखना हर आत्मा में परमात्मा देखना। एकर से बढ़ के और कोई भक्ति नहीं है। हर जगह राम विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा है। हर में राम देखना चाहिए तक कैसे राम देखना चाहिए। एक घाव भगवान राम 14 बरस के बनवास ले अयोध्या में वापस चल दी और जाके सब उकर संग में जतिक रीन ना बिंद्रा भलुआ ये सफा मन जाके वानर दल मन बैठ गए। अब बैठे के बाद भगवान राम कथे मोर संग में बड़ दिन ले रहे हो सबला विदा कर सबला विदा करते हो हर सबला कहीं कुछ दे के विदा करी। अब भगवान राम हनुमान ला देखी हनुमान चुप पे कोंटा में बैठ रहा है। हनुमान के तीर में गई हनुमान जी अनंत भक्त है उनकर। हनुमत बाबा उठ के भगवान के आगे खड़े हो गए होकर थे काय भगवान देख हनुमान मैं तोला ये मोती के माला दे थे बहुत प्रिय थे तोला सबसे महंगा वाली अमूल्य चीज दे थे एला सदा तेहर अपन गला में धारण कर दे अपन नरीम पहर दे मोर सुरता कर दे। हनुमान जी वो मोती के माला लगाई और सब बैठे रहे तेकर आगू में वो मोती के माला ला तोर के वो एकठन मोती ला चाप चाप के चाप चाप के चाप चाप के वो देखी चाप चाप के चाप चाप के विकर जामवन बैठ रहा है। जामवन बुढ़ा हुए हो हनुमान लगते हनुमान जी काय जामवन अरे मैं कहो ना ये नहीं जाने कहीं चीज ला अरे अतिक अमूल्य चीज तोल दे है मोती मोती की माला भगवान अपन नरेंद्र निकाल के दे और देख के सत्यानाश कर दी से का समझ जंगल के रहने वाला बानर ये का जाने जंगल के मनुष्य। हनुमान जी कहते जाम बंची मेहर तो ये मोती की माला है या कहा की माला है इला तो नहीं जानी पर एक बात मैं अच्छा तरीका से जानता हूं अच्छा ढंग से जानता हूं कि ये मोती के माला में मोर राम हैगा। जामन कहते कैसे बात कर राम कोई माला में रही हाँ मोर जीवन में हर जगह राम है मैं ये मोती के माला में राम खोजता हूं ये मोती के माला देखता हूं कि राम हैगा और चाप चाप के चाप चाप के लेकिन राम नहीं मिले ना सीता नहीं मिले। जामवन
जामोह जी महाराज हनुमान लग कते वाह, अरे राम 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 दुनिया भर चिल्लात हंसते हैं, राम देखना है के थस। ते का तोर शरीर में राम है, लेना वो तोर शरीर में राम है का, अब सब जगह होना चाहिए तोर शरीर में राम है। हनुमान जी अतकीला सुनी अब भरे सभा में खड़े कथे, हाँ अगर मोर में विश्वास है ते मोर शरीर में ढलो राम है टीके। छातीला चीरिस तो चीर के जब देखाई हनुमान जी तो वहां राम और सीता के सुंदर चित्र रहे चरित्र के साथ में, भगवान बैठे रहे मुस्कुरात, सीता मुस्कुरात रहे, हनुमान जी सब झल्ला देखा दी दंग रह गए। मन में विश्वास होना तो भगवान घट घटे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन भटके उदासी। मृगा सुगंध ल लेके खुश थे कदे कर ममहात की के, पर वो ममहात रथे थे ओकर पेट में रथे कदे कर बोडरी में, वो खुद ही नहीं जाने की ये मोर बोडरी ममहात की के खोजत रथे उल्टी होती। सिया राम में सब जगह जाने ये सातवा भक्ति, संत मोर से अधिक संत प्यारा होना चाहिए, और संत के शरण में जाए के बाद ही रामला देखे जते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद भी उगताए। सब कोई खड़े काकर प्रणाम करो, भगवान साप कही दिस तोर गुरु के प्रणाम कर, गुरु रास्ता बतियाए। मोर से अधिक भगवान से ज्यादा प्रेम भक्त में होना चाहिए, भक्त में ही भगवान है, भगवान तो भक्त वत्सल है, वो तो भक्तला सब जगह दर्शन दे देते हैं। आठवा यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवा भक्ति के बारे में बतें, संतोष रहना, परम संतोष। और जहां संतोष है वहां सुखी है, और जेकर मन में संतोष नहीं है ना वो जगह जगह ठुकर खा। संतोष होना चाहिए, संतोष में ही परमात्मा है, और संतोष नहीं तो कुछ नहीं है भैया। सपने नहीं देखी पर दोषा, सपना में घलो दूसरा के दोष ला नहीं देखना चाहिए, जागत में अलग बात, सपना में भी नहीं सोचना चाहिए, दूसरा के दोष नहीं निकालना चाहिए। दूसरा के दोष निकाले से अपन दोष बाढ़ जाते, हाँ लेकिन का करवे आजकल ना, आजकल जीव कामे परेशान है, अपन दुख से परेशान नहीं, दूसरा के सुख में परेशान है कि ये कैसे कंट्री से, ये कैसे कंट्री से अच्छा बढ़ गया, वो हर अतिक पानोकर का धन दौलत हो गया या अच्छा हो गया, दूसरा के सुख में वो दुख हो गया वाला, अपन दुख में परेशान नहीं होगा। एक सुंदर कहावत याद आ गई, वो कहावत ऐसा है, एक जन आदमी है दिन भर सुते रहे कहीं नहीं बुता नहीं करे, और भाई के छह दिन भर सुते रहता कहीं बुता उता नहीं करे, एक तू घुमा रहता तब कथे की काला कमांडर हूं मैं। वो आदमी अपन पड़ोसी मन से जले, देखो पर के दोष निकालना माने पड़ोसी मन के दोष निकाले, चारी चुगली करे और जले हो, तब कर भाई कथे दूसरा बार जल था और खुद काम नहीं कर सका। वो आदमी रेते उठी और उठ के झोराल धरी अपन कपड़ा लत्ता धरी तक में जात हो कमाल के निकल गया, बहुत दूरी हम गीत एक था फूटहा मंदिर रहा है ना बैठ गयो, तब वो फूटहा मंदिर में जैसे बैठी ना भीतरी में एक ठन शंख रहा है, ते कहते कौन आज बेटा, तो दौड़ा दौड़ा गीसो मैं हूं, वाह वाह मोला ले जा मोर सेवा कर, ते कहते तोर सेवा करूं का देबे, तोला एक दू तो तोर पड़ोसी दो दू, तो यह तो पड़ोसी चले, ते कहते मोला एक देबे और मोर पड़ोसी दो देबे, नहीं नहीं
तोला ले के घर में चुप्पे पेटी में राख दो। ऐसे कीस और धर के अब अपन बैल कथे वो एला चुप्पे चाप संदूक में राख दो, एल निकाल बे मत। ऐसे कीस और ओला बंद कर दीजिएगा, संदूक में राख दी। और संदूक में रखे के बाद में वो चल दी कमाएला। अब कमाएल चल दी, बहुत दिन बीत गए कमाल जी से आबे नहीं करे। अबे हम बिचारी हर अब थोड़ा मोच दार रही तेल खाई और बनी भूति करी तेल खाई और कुछ दिन के बाद में बनी भूति पूरा बंद हो गए। एक दिन ऐसे ना बता गए कि घर में आग नहीं पड़ी, भूख के मारे परेशान। वो कथे ये आदमी हम और आदमी है, ये संदूक में एक ठन शंख लाए तेल बेचू मैं और चौन लूके निकाली सो शंखला। शंखला निकाली निकाली तानो कथे बोल भाई का चाहिए तोला। अब वो भाई कहते हैं बाबा मोल बड़ जोर से भूख लगा थे बाबा मोला खाए भो एक बटकी बासी दे। एक बटकी बासी मार गए और पड़ोसी घर दो बटकी बासी मार गए। अब कह रहा है तूने एक तो पड़ोसी दू मोर घर एक ठन बन जाए महाराज बढ़िया तो ओकर एक ठन घर बन गए, पड़ोसी घर दो ठन घर बन गए, चकाचक हो गए। कुछ दिन के बाद ऐसो वो कमाल गिरते हैं और कमाल गिरते हैं तो देखी तो कर घर के नक्शा बदल गए। देखी सरे मोर घर बहुत अच्छा बन गए, हो सकते ये घर ला कोई बना दी जबरदस्ती का घर में गिर। देखी सो कर भाई अच्छा अच्छा लुगरा पहरे गहना पहरे, वो देख के चखा दी ये पैसा आते इस कहां से अब अतिक अच्छा कबर हवे। वो पूछी कैसे वो संदूक में संकरित कहां है। वाह हवे निकाले रहे का हो नहीं निकालो बोले दी देखे मैं हम तब तक कहीं मांगे का हो ओ हो निकल के देखी तो कर पड़ोसी का इनका लड्डा बोल रहा हमार घर ये अब हमार पड़ोसी का दू दुगुन हो गया। देख कैसे मांगे तब बताई शंख देवता मोला आशीर्वाद दे कि तो मोले एक दू की सोच दो दू की तो हम लगा कर नहीं एक है ना संतोष है ना मैं पर ये संतोष होने वाला थोड़े ये कहते ठीक है तोला मांगे नहीं अब मैं मांगू शंखला शंख करगी। हे शंख देवता कहते वो शंख कहते बोल बेटा का चाहिए तोला। तो वो कहते मोला एक देवे तो मोर पड़ोसी दू देवे ना आओ तो एक काम कर का काम मोर एक ठाकी फूट जाएगा और सही मोकर एक ठाकी फूट गई और कर पड़ोसी दोनों आंखी फूट गई। हाँ अब वो कनवारा ऐसे झांक के देखी तो अपन पड़ोसी मल्ला अंधवार आयो मत मैं की लट्टा मरा पड़ा और कथे हाँ मोरे हाथ टूट जाए और सही मोकर एक हाथ टूट गयो कर पड़ोसी दोनों हाथ टूट गए। एक गोट टूट जाए कथे कर एक गोट टूट गयो कर पड़ोसी के दोनों गोट टूट गए अंधवा हो गए लुंडवा हो गए खोड़वा हो गए चिक्कन बैठी गई वही तरह। अब मोर घर के आगू में मुहाटी में ठकुआ कोड़ा जाए कथे ता इकर घर में ठकुआ कोड़ा गे तो कर पड़ोसी घर दू ठन कुआ कोड़ा गे अंधवा रहे लुलुआ रहे खोड़वा रहे उ जात रहे गिलत गिलत कुआ हम जात दलाक ले गिर जाए झपा गे सब पको। एक दिन गांव में चोर आ गए दौड़त दौड़त और चोर आई तब दौड़ो 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 कहके तब सब तो सूते रहे अभी खोड़वा एक गोड़ के रहा है कनवा रहा है एक हाथ टूटे रहा तिल हमरा पर ई हर दिखते ऐसे कहके वो धालिन इतना मार मारिन तो वो समय हम चिल्ले सो दौड़ो 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 का के दौड़ो सब लती खोड़वा कर देस लुलुआ कर देस कनवा कर देस दूसरा ला अंधकार में ढार देस ते खुदे ते अंधियार में पर गे साच चोर मन माटी संतोष करना सबसे बड़ी संतोष करना संतोषी परम सुखी जेकर जीवन में संतोष है ना वो दुनिया के सबसे बड़े धनवान है। भले कर करते ही मत रहे मर संतोष रहना संतोष से बढ़ के कोई संपत्ति नहीं है। यही ला आठवां भक्ति के माध्यम से बताई और सपना भी पर की दोष नहीं देखना चाहिए पर की दोष नहीं पर के लिए जलना नहीं चाहिए सब ला अपन बराबर समझना चाहिए सब राममय समझना चाहिए। ये आठवां भक्ति। अब नवा भक्ति में कहते थे नवम सरल सब सना छलहिना मम भरोसा ही हर शना दिन
नवा मये कौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचरी और नव भक्ति आखिरी भक्ति सुनाते भगवान। नवा भक्ति में सरल सीधापन सबसे छलहीन माने छल कपटनी होना चाहिए, सीधा रहना चाहिए और सिर्फ मोर भरोसा रखना चाहिए। अब मोर भरोसा जे रखे ना ते ये समझ जा वो गाजो धोखा नहीं खाए। मोर भरोसा रहना चाहिए काबर किए गए प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। अब प्रभु के भरोसा में रह के ही हाकी हाकना चाहिए गाड़ी ला जीवन के गाड़ी ला ऐसे गाड़ी नहीं जीवन के गाड़ी ला हाकना चाहिए। भगवान के भरोसा छोड़ देना चाहिए। भगवान तोर सब कुछ है नहु तोर मगर तोर कहा था पर समर्पण भावना से का ये नौ भक्ति ये सब छल छोड़ के छल कपट छोड़ के सरल हृदय सरल भाव से जपना चाहिए। ये नवा भक्ति भगवान सुनी सबरी गदगद हो गए। नौ ठन भक्ति ला सुनी और विकरा भगवान राम के आंखों में हाथ जोड़ के मोक्ष गतिला प्राप्त करते सबरी हाथ जोड़ दी भगवान भगवान मोला आज संपन्न कर दे परमात्मा। भगवान कहे नवम एकव जिनके होई नारी पुरुष सराचर कोई नौ भक्ति में अगर एक थो भक्ति में घलो चल ही ये दुनिया में नारी रहे या पुरुष रहे वो दुनिया में धोखा नहीं खाए बहुत अच्छा भगवान राम बतेश और नौ भक्ति समाप्त हुई। भगवान नौधा भक्ति के कथा सुनी वाकी में नौधा भक्ति जे सुनते ओकर घर सुखी शांति ओकर हृदय पवित्र हो जाते ओकर घर गंगा के समान लहरा आ जाते और चारों धाम ओकर घर में बैठे है ऐसे लगते। ये नौ भक्ति की कथा सबरीला सुनी बोलो श्यापति राम चंद्र की जय।